साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं, यदि गाय भैंस चारा दाना कम खाती है, पानी कम पीती है, तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हम बात करते हैं पशुओं में होने वाली एक गंभीर समस्या, जिसके कि हमारे पास रोज फोन आते हैं और जो पशु मालिक रहते हैं वो नए नए वीडियो देखते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे कि यदि गाय भैंस चारा कम खाती है, दाना कम खाती है और पानी भी कम पीती है, तो आपको वो कैसा कौन सा ट्रीटमेंट है, तो आप करेंगे तो आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिससे पशुओं की भूख भी खुलेगी और इसके साथ साथ वो पानी भी पीने लगेगा। तो आज हम इस वीडियो में वह ट्रीटमेंट जानने वाले हैं। देखिए, हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आती है इसकी, रोज रोज फोन आते हैं कि हमारा पशु कम कम चारा खा रहा है, कम कम पानी पी रहा है, यह क्यों होता है। साथियों, इसके कई कारण देखने को मिलते हैं। कुछ पशु हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो चारा तो खाते हैं पर वो बिल्कुल कम खाते हैं, पानी भी पीते हैं, कभी कभी कम कर देते हैं, यह क्यों होता है। देखिए, पशुओं की एक गंभीर समस्या है यदि आप इसका समय रहते डिवर्मिंग नहीं करवाएंगे। देखिए, डिवर्मिंग बहुत सारे पूछते हैं कि डिवर्मिंग क्या होती है, तो डिवर्मिंग के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, डिवर्मिंग पशुओं के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उसी को हम डिवर्मिंग बोलते हैं। ये हमें कितने दिन में करवानी चाहिए, यदि आप पशुओं को अधिक मात्रा में चारा दाना खिलाते रहते हैं तो बड़े पशुओं में आप एक माह में एक बार इसकी डिवर्मिंग करवाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ा रहेगा, दूध उत्पादन कम नहीं होगा, एक काम तो यह रहेगा। दूसरा, पशु की इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, इससे पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी तो पशु बीमार भी कम होगा। इसके बाद पशु जो चारा दाना रहता है वो बिल्कुल भी कम नहीं करेगा। तो डिवर्मिंग की वो ऐसी कौन सी बोलस है, तो हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, डिवर्मिंग की ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी दवाएं आती है, हम कुछ दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ऑक्सीक्लोजनाइड एंड लिवामिसासोल की जो बोलस आती है, ये दोनों तरह के पशुओं में यूज की जा सकती है। जो पशु गाभिन है उसमें भी कर सकते हैं और जो पशु गाभिन नहीं है उसमें भी आप बड़े पशुओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आपको खाली पेट करना है। सुबह यदि आप खाली पेट करेंगे तो ये सभी प्रकार के कीड़ों का खात्मा करती है, इससे पशुओं की डिवर्मिंग होती रहेगी। तो आपको इस बोलस से पशुओं की सुबह खाली पेट डिवर्मिंग करवाना है, जिससे पशुओं की अच्छे से डिवर्मिंग हो जाए। इसके बाद देखिए, पशुओं में यदि भूख कम हो जाए, चारा दाना कम खाती है, तो इसके लिए आपको मिनरल मिक्सर लेना है। मिनरल मिक्सर अच्छा ब्रांडेड कंपनी का लेना है। हम आपको एक मिनरल मिक्सर दिखा देते हैं, आप इस मिनरल मिक्सर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में हम बात करते हैं मिनरल मिक्सर की कितनी मात्रा देनी चाहिए। तो देखिए, मिनरल मिक्सर बड़े पशुओं में आप 100 ग्राम रोज के हिसाब से लगातार 15 से 20 दिन तक दे सकते हैं। देखिए, यह भी प्रेगनेंसी सेफ रहता है, प्रेग्नेंट पशु में आप इसका प्रयोग करेंगे। इससे पशुओं की विटामिन और मिनरल की जो कमी होती है उसकी आपूर्ति करेगा, पूर्ति करेगा और पशुओं की भूख बढ़ा देगा। तो आपको पशुओं में मिनरल मिक्सर चालू कर देना है। इसके साथ में आपको एक अच्छा सा लिवर टोनिक, जो लिवर टोनिक आपको अच्छा लगे आप उस लिवर टोनिक का प्रयोग कर सकते हैं। यह 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम के हिसाब से 15 दिन आप लिवर टोनिक भी पिला के देखिए, आप देखेंगे यदि आपने तीन काम कर लिए, सबसे पहले पशुओं की डिवर्मिंग करवानी है, उसके बाद पशुओं को मिनरल मिक्सर देना है, इसके बाद आपको लिवर टोनिक देना है। यदि आप ये काम कर लेते हैं तो जो पशु मालिक बोलते रहते हैं कि उनके पशुओं की भूख कम हो गई है, चारा पानी कम खा रहा है, तो यह भी कंडीशन जो बनती है यह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। पानी भी पीने लगेगा, पशुओं की भूख भी खुल जाएगी और पशुओं में दूध उत्पादन क्षमता बनी रहेगी और पशु का जो शरीर है जो कमजोर हो रहा है वो भी ठीक रहेगा। तो आप ये काम करके देखें, फील्ड में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और न किसी तरह का आपको ट्रीटमेंट करवाना है। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।